बिहार के पटना में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उनका एजेंडा देश का विकास करना नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों को सत्ता में लाना है। ये यवतमाल जिले के वनी में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चे की बैठक में वे बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अगर अब साथ आए लोगों को हराना है और भारत को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को चुनना चाहिए। तो यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता ये विश्वास कर लो कि आज जो इकट्ठे हुए हैं उनको अगर हरा के भारत को आगे बढ़ाना है तो हम सबको आने वाले चुनाव में 51% वोट से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि 9 साल तक गरीबों के कल्याण की योजनाएं उनके पास कैसे पहुंची, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समृद्धि हाईवे से अपने देश के गांव को विकास के पथ पर कैसे जोड़ा है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत की मान और मर्यादा दुनिया में किस प्रकार से बढ़ रही है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो देश आज के 9 साल पहले दुनिया की 5 डगमगाती अवस्थाओं में था वो आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कैसे पहुंचा है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अन्याय असमानता और असुरक्षा के विषय पे देश में सुरक्षा और प्रगति का माहौल कैसे खड़ा हो रहा है, उनको जवाब देने का यही तरीका है कि सब इकट्ठे हो जाओ, हम भी 100 में से 51 हो जाएंगे और ध्वस्त करके